हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलते हैं आज एक और नई वीडियो की ओर। आज हम स्टीयरिंग काटना सीखेंगे, देखेंगे स्टीयरिंग किधर किस साइड में मुड़ा हुआ है। क्या होता है कि अक्सर हम जब कहीं कार खड़ी कर देते हैं तो अचानक से रिवर्स पे मोड़ने लगते हैं या फिर कहीं काटने लगते हैं कार को, तो देखिएगा फिर हम अंदाज़ा कार में बैठ के फिर हम बाहर देखने जाते हैं टायर किधर घुमाए। इसलिए अब ऐसा करेंगे कि हमें कार में बैठते ही मालूम पड़ जाए कि हमारा स्टीयरिंग किधर की ओर घुमा हुआ है, दाएं की बाएं। और दोस्तों देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, अब ये मैंने स्टीयरिंग इधर पूरा काट दिया है। दोस्तों ये स्टीयरिंग मेरा कट चुका है, यहाँ पे इतना कटता है। तो दोस्तों देखिएगा कि मैं अब इसको अब ये करूँगा, ये बराबर आ जाएगा, यानी दो बार काटना पड़ता है। देखिएगा दोस्तों, एक और दो, यानी कि फुल कट चुका है। तो यहाँ पर ये स्टीयरिंग फुल कट चुका है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये कट चुका है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे स्टीयरिंग इसको यहाँ पे काटूँगा, एक दो और तीन, तीन चार, यानी साढ़े तीन मान लीजिएगा। तो स्टीयरिंग अब यह इस तरफ कट चुका है, देखिएगा दोस्तों, यानी कि साढ़े तीन चार यहाँ पे। अब देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा पूरा पूरा टायर इधर घूम चुका है दोस्तों। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग कार में बैठते ही कंफ्यूज ना हो कि मेरा स्टीयरिंग किधर घुमा हुआ है। दोस्तों अब ये मेरा स्टीयरिंग बिल्कुल फ्रंट, यानी बिल्कुल सामने है, देखिएगा दोस्तों बिल्कुल सामने में है। ये मेरी स्टीयरिंग बिल्कुल सामने है। अब मैं कार अगर चलाऊँगा तो बिल्कुल सेम आगे जाएगी। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, हैंड ब्रेक लगी हुई है दोस्तों। ये देखिएगा बिल्कुल कार आगे जा रही है, यही कार जस्ट पीछे भी जा रही है। देखिएगा, देखिएगा दोस्तों ये। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे, अगर स्टीयरिंग इधर घुमा हुआ है, अब मान लीजिए इधर स्टीयरिंग घुमा हुआ है, तो ये बताइएगा किधर है, किस साइड में है ये। तो कार में बैठते ही सबसे पहले आपको स्टीयरिंग घुमाना है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल काट देना है। जब वो कट जाए तो एकदम अपने ऐसे करके बिल्कुल बीच में आ गया है, देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, देखिएगा बिल्कुल बीच में स्टीयरिंग आ चुका है, जो कि मुझे यही बताना था आप लोगों को।